26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में से है। ना तो उसको टाइप किया गया है, ना ही प्रिंटेड है, कम्प्लीटली हैंड रिटन है, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। कॉन्स्टिट्यूशन को की रेप्लिका यहाँ पे दिखाई गई है। हिंदी में लिखा गया है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा और इंग्लिश कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा। इसी के साथ इलस्ट्रेशन वर्क दिखेगा, हर एक पेज पर आपको डिफरेंट कुछ बुद्धिज्म, कुछ रामायण, कुछ महाभारत जैसे सीन्स आपको नजर आएंगे जो किए गए हैं उस समय के पॉपुलर आर्टिस्ट नंदलाल बोस द्वारा। ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी है रखी गई है पार्लियामेंट लाइब्रेरी में। यहाँ पर आप उसकी एक जो बैठक हुई थी जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है उसी असेंबली का सीन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये लोग उस असेंबली के महत्वपूर्ण मेंबर्स में से एक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश के फर्स्ट प्रो मिनिस्टर, और साथ में जो ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उसके मेन चेयरपर्सन रहे थे, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर और ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हमारे देश के फर्स्ट फर्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सिग्नेचर की लाजमी कॉपी लगी हुई है। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बस सामना के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो इंग्लिश में लगी हुई कॉपी है आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के बना है, तो उसकी झलक आपको प्रीएम्बल में भी दिखती है। जो ये लाइन है द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, वही जो बाकी का पार्ट है प्रीएम्बल का वो लिया गया उसके लिए। मर्सिडीज बुलेट प्रूफ कार हमारे देश के 5 रेजिडेंट्स को सर्व की गई है। इसका फर्स्ट टाइम यूज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी और हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति जी श्री आर वेंकटरमन जी द्वारा 1990 में किया गया, और इसका आखिरी बार यूज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी और हमारे देश के श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी द्वारा 2012 में किया गया, और इसको रिप्लेस किया गया रेमोजिंग एजुकेशन, अभी यूज की जाती है रेमोजिंग। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे विक्टोरिया कोच हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा पहली बार यूज किया जाता था, और साथ में उनको जो गिफ्ट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट से दिए गए हैं, साथ में राष्ट्रपति भवन में रसोई का किस प्रकार से होता है वो भी देखेंगे, वॉक होगी गांधी जी के साथ वो भी करेंगे, ठीक है, और एक आपको अमेरिकन फैमिली उनको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ब्लॉगिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक साइंटिस्ट होने के बावजूद उनको बिना बताने का बहुत बड़ी शौक था, उनका सरस्वती बिना यहाँ पे रखा गया है, ये कोर्ट उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पहना था, वो कोर्ट उन्होंने अपने लास्ट लेक्चर के दौरान शिलोंग में पहना था जिसके बाद बीमारी के कारण वो गिर गए थे। यहाँ पर उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, स्प्रिट ऑफ इंडिया, जैसी पुस्तकें रखी गई है। आगे की जो दो बुक्स हैं उनकी पर्सनल फेवरेट बुक्स है, उनकी एक आदत थी उन्हें जो भी लाइन्स अच्छी लगती थी अपने बुक के फ्रंट साइड में लिख देते थे, उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखी उनकी कुछ फेवरेट लाइन्स है। इधर भी देखिए तमिल लैंग्वेज में आपको एक प्रश्न बताया कि जिसका नाम है संगम हिंदुज्म का पार्ट है, सर इसकी बातें पढ़कर अपने लैंग्वेज में लाते थे। तो वही आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, स्टील गन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का स्माइलिंग फेस आपको नजर आएगा। ये पेंटिंग बनाई गई है AS वर्दी द्वारा 2004 में और टाटा स्टील ने उसको कलेक्शन है जो कि डिफरेंट पीरियड ऑफ
बढ़ेंगे तो कुछ और गिफ्ट के कलेक्शन आप देख सकते हैं, हमारे आठवें राष्ट्रपति देश के आर वेंकट रमन जी की बिलोंगिंग्स आप इस सेक्शन में देखेंगे। उनका फोर्ट, उनको फोटोग्राफी करने का बहुत अधिक शौक, सबका पसंद है अपना उनकी फोटोग्राफ्स, साथ में उनके सर्टिफिकेट्स। और ये देखिएगा एक आर्टिफिस से बना हुआ बनी होगी ये। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्नो जी जब हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 1920 को भारत आए थे, तो वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देने के लिए क्लॉव यानी लौंग से बनी हुई एशिया भारत लाए थे, क्योंकि इंडोनेशिया अपने स्पाइसी यानी मसालों के लिए जाना जाता है उसी के सिंबल के रूप में। हमारे राष्ट्रपति भवन में रसोई घर किस तरह से होता है उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे रेप्लिका लगाई गई है। और पीछे जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं उनमें से कुछ अभी भी वहाँ पे वर्किंग है, साथ में यूटेंसिल देखिए अपने दोनों साइड कोपर और आयरन के बने कॉर्पोरेट हाउस जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं उसके यूज में लिए जाते थे। कार्पेट देखेंगे 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई उस अवसर पर उस समय के बोलसोरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने दरबार का आयोजन किया था, जिसमें क्वीन मैरी और जॉर्ज द फिफ्थ आए थे। तो उस अवसर पर एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आगे आएंगे तो ब्रिटिश क्राउन के साथ आप कुछ बर्तन देखेंगे, लेकिन आजादी के बाद नेशनल एयरपोर्ट के साथ ये बर्तन अभी भी राष्ट्रपति भवन में ऐसे ही यूज में लिए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भवन में जितने भी बर्तन होते हैं सब में नेशनल एम्बलम सिंबल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी की बिलोंगिंग देख सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट, उनकी फोटोग्राफ, उनको जो कोड इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से गिफ्टेड है, ऐसे ही बाकी का उनका सामान यहाँ पे रखा गया है। और इस साइड देखेंगे कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर, अमृत बाजार पत्रिका दानपुर जैसे पॉपुलर न्यूज़पेपर ने जो हमारे राष्ट्रपति जी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को कैप्चर किया उनको दिखाया गया है। चलिए हम पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की ब्लॉगिंग का यहाँ पर देख रहे हैं। सारी जो उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान वियर की थी वो भी यहाँ पर रखी है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ओडिशा से हमारे पूर्व राष्ट्रपति के श्री बीबी गिरी को उसका एक टुकड़ा भेंट स्वरूप दिया उसी को यहाँ पे रखा गया। बाकी के दो स्टोन्स हैं
टेरेस पे गए थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने दिया था हमारे पूर्व फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और यहाँ पर एक और माउंट एवरेस्ट स्टॉल देखेंगे जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो गई थी मिस्टर चंद्री पाल, उन्होंने दिया था श्री रानी जैल सिंह जी को जिनकी बिलोंगिंग साफ आ गई है। कुछ और गिफ्ट के कलेक्शन है यहाँ पर, फर्स्ट टेलीग्राफ जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी से आया था, देन गोल गोल केसरी आपसे गिफ्ट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, हमारा नेशनल एम्बलम दिया गया है सारनाथ स्तंभ से जो कि अशोका काल का बना हुआ है। उसमें आप चारों जो लॉयन देख रहे हैं वो चारों दिशाओं में बुद्धिस्ट अपनी स्प्रेड को दिखाते हैं। वही मिडल में आप देखेंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैन सिंह जी की बिलोंगिंग, उनके कुछ हैंड रिटन लेटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पंजाबी लेटर। कुछ गिफ्ट के कलेक्शन है, मंदिर के रेप्लिकास हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति जी को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर गिफ्टेड है, चारों धाम का रेप्लिका उत्तराखंड की गवर्नमेंट से गिफ्टेड है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जिसको गांधी फैक्ट्री नाम से जाना जाता है। इसमें तीन शर्तें थी, पहली शर्त कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया सबरमती बंदी आंदोलन वापस लिया जाएगा, दूसरी शर्त थी कि जितने भी सत्याग्रही जेल में कैद थे उनको रिहा कर दिया जाएगा, और तीसरी शर्त थी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में होना था गांधी जी उसमें अपना पार्टिसिपेशन देंगे। इसके साथ समझौता साइन हुआ और समझौता साइन करने के बाद गांधी जी गवर्नमेंट हाउस जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं वहाँ से निकलते हुए भारत की तरफ आते हैं। तो आज आप और आप धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ते हैं।